सब जानते हैं कि उर्स मुबारक हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कल हम मनाएंगे। और आज जो यहाँ पे देखना है कि फैसिलिटीज़ बराबर है, ज़ायरीन आएंगे, उनके लिए जो इंतज़ाम करने हैं वो हमें देखना है, और इंशाल्लाह हमने करे भी हैं। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आज शबखानी भी होगी, ज़ायरीनों के लिए किसी भी किस्म की कोताही नहीं होगी। हमने यही सोचा है कि हर बारी जब से भी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील पाया है, हमारी यही रहती है सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि इंतज़ाम सही हो और जो ज़ायरीन आए उनको किसी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ये उर्स मुबारक हम सही तरीके से मनाएं। और आपके ज़रिए से हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इस बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारे जैसे पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्ट, ये सारे इंतज़ाम बराबर हैं और इंशाल्लाह किसी किस्म की कोताही नहीं। देखिए अभी भी आपके सामने लोग आ रहे हैं। हमने ये आज तहिया करा है कि आस्तान आलिया में जूते नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमने फर्शो फरूश सारा नया डाला हुआ है। हम उनसे यही कहेंगे कि इसका ख़ास ख्याल रखें कि जूते अंदर ना जाए, और गिर्दोनवा जो सही साफ़ सुथरा है उसको सफाई के साथ और यहाँ पे आए, क्योंकि दरगाहों में और मस्जिद में नमाज के लिए जगह होती है, पाक पाकिजगी के साथ आएँ और यहाँ से फैज़ याब हो के अल्लाह के करम से जाएँ।